समीक्षा बैठक चल रही है। राजीव भवन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है। वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, विजय जांगड़, चंदन यादव, भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो उस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार क्यों हुई, इन कारणों की समीक्षा हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मानसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके अनुरूप है। पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। छतरपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा है। पुलिस की स्पेशल टीम ने छापा मारा है। जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। एक कार, 6 बाइक समेत 16 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बमेटा थाने के गंज गांव का मामला है। झाबुआ की बात करते हैं, जहां पुलिस ने 10 लाख के गायब मोबाइल लौटाए हैं। 71 मोबाइल खोजे साइबर सेल ने। अब ऑपरेशन हेलो के तहत ही मोबाइल खोजे हैं। मालिकों को मोबाइल सौंपा गया है। गायब मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। अगली खबर उज्जैन से है, जहां एक वैन आग में जल गई। खाक हो गई जलकर। गैस डालते वक्त वैन में आग लग गई। तराना बाईपास के चोपड़ा झीन का ये मामला है। उज्जैन की तस्वीरें। इस वैन में गैस भरने का काम चल रहा था, तभी वैन में आग लग गई। अगली खबर खरगोन से है, जहां अवैध रेत खनन से नाराज गांव वालों ने डंपर को रोक दिया। गांव वालों ने नर्मदा में अवैध खनन का आरोप लगाया। डंपर के चलते पहुंच मार्ग के खराब होने का आरोप लगाया गया है। गांव वालों ने अधिकारियों को बुलाने की मांग उठाई। एसडीएम के साथ ही अधिकारियों को पहले भी शिकायत की। शिकायत के बाद भी अवैध खनन जारी है। बड़वाह जनपद पंचायत के सेमरला का मामला है। पुलिया इतना बड़ा नहीं है, ग्रामीण सड़क है, पूरा उखड़ चुका है, पूरा जमीन में धस रहा है। अभी बरसात में तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? महिलाओं को डिलीवरी होती है तो वहाँ गाड़ी कहाँ से आएगी? और किसान अपनी फसल कैसे बेचने जाएंगे? और कोई सुन नहीं रहा है। एसडीएम साहब को, इनको सबको दे दिया है, ज्ञापन दे दिया, पर कोई नहीं सुन रहा है। ये गाँव में विरोध इस बहाने हो रहा है कि दोनों गाँव के हमारा ठहराव प्रस्ताव हो चुका है। ठहराव प्रस्ताव को कोई मानने को तैयार नहीं है। और ग्राम सेमरला का एक एक ग्रामीण लोग सब तैयार है। ये डंपर वाले यहाँ अवैध चला रहे हैं, रोड को उखाड़ रहे हैं, पूरा रोड उखड़ चुका है। हाँ, एसडीएम साहब को करी है, कलेक्टर साहब को कर चुका हूँ मैं, माइनिंग में भी कर चुका हूँ मैं, थाने पे भी दिया मैंने। कितना समय हो गया? ये 5 महीने से चल रहा है मेरा, अभी तो कोई कार्रवाई। जबलपुर के कटंगी में गौवंश के अवशेष मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज हिंदूवादी संगठनों ने विरोध में कटंगी को बंद करवाया। बजरंग दल ने पैदल मार्च निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि 2 दिन पहले गौवंश के अवशेष मिले थे। उधर जिला प्रशासन ने गौवंश का अवशेष मिलने से इनकार किया है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हिंदूवादी संगठनों को एतराज है और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी भी संगठनों की ओर से दी गई है। ने अपनी वहाँ सभी बल को लगाया हुआ है और अभी स्थिति वहाँ पर जो है वो नियंत्रण में है और इस पर संबंधित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसे ही कुछ भी स्थिति स्पष्ट होगी उस पर नियमानुसार हम लोग उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों को जनता के समक्ष, सभी पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भ्रम की जो स्थिति है वो जितना जल्दी क्लियर कर दी जाए
उतना ज़्यादा बेहतर होता है। उस रिपोर्ट को उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो उस पूरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह को शराब का शौकीन करार दिया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह के पक्ष में जीतू पटवारी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पटवारी ने कहा कि एक तरफ धर्म से जुड़ा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ दिन भर शराब पीकर पड़े रहने वाला। ईमानदार आदमी जिसको चार पीढ़ियों ने सेवा की, कभी दारू नहीं पी, और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेईमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता है, कौन सा अच्छा किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को या वह मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार किसको देना चाहिए?